आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो कि उनका व्यक्तिगत विचार है, हम वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव को मानने वाले लोग हैं। भाजपा अगर किसी के व्यक्तिगत विचार को राजनीतिक मुद्दा बनाएगी तो फिर जीतन राम मांझी के बयान पे क्या कहेगी जो एनडीए के सहयोगी हैं, नरेश अग्रवाल के बयान पे क्या कहेगी जो एनडीए में हैं, भाजपा में हैं। तो भाजपा अगर हर सामाजिक मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास करेगी तो उसे एनडीए के सहयोगियों को पहले चेक करना चाहिए ना। जीतन राम मांझी के बयान पे जेपी नड्डा जी और नरेंद्र मोदी जी क्या जवाब देंगे, क्योंकि वो तो बहुत सारे देवताओं के अस्तित्व को नकारते हैं। तो मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी जी तो एनडीए का हिस्सा है, ससम्मान उनको एनडीए में बुला करके आप मीटिंग में बैठा रहे हैं, तो फिर आप उस पर जवाब दीजिए। उनका बयान जो था वो मुझे लगता है कि उनका व्यक्तिगत बयान है। नहीं, हम ये तो सरकार बताए ना कि वो क्या तैयारी कर रही है, हम कैसे बता सकते हैं कि सरकार क्या तैयारी कर रही है। सरकार के दिमाग में इंडिया एयरलाइंस की बढ़ती हुई स्वीकार्यता के खिलाफ कौन सा मुद्दा है, कौन सा शिगुफा, ये तो सरकार ही बताएगी, पहली चीज। दूसरी बात ये, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली सरकार क्या उत्तर प्रदेश में भी 2024 में चुनाव करा देगी? जहां जहां भाजपा शासित राज्य है वहां 2024 में चुनाव कराएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, चूंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, ये चार स्टेट में भाजपा का सूपड़ा साफ होने जा रहा है, इसलिए शगुफा लेकर के आई है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर 2023 में इन चार राज्यों में भाजपा चुनाव हारती है तो 2024 के लिए जो माहौल बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी के सपने से भी बढ़ करके वो माहौल होगा, इसलिए ये एक नया शगुफा उछाला गया।